हम बात करते हैं बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस ऑफ वस्कुलर प्लांट, क्या अहमियत है वस्कुलर प्लांट्स की। मैनी वस्कुलर प्लांट स्पेशली एंजियोस्पर्म आर सोर्स ऑफ फूड, एग्जांपल वेट, गंदम, राइस, चावल, मेज, मकई, पल्सेस, दालें, इटीसी। ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हम बात करेंगे बाद में कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं और जिम्नोस्पर्म क्या होता है। वैसे मैं ऐसी बता दूँ, स्पर्म का मतलब तुम्हें पता होता है कि क्या होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्म का मतलब है जिसमें नेक्ट होता है, सीड, सीड छुपा हुआ होता है, आप समझ रहे हो। और जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है कि सीड वाजे होता है, जैसे आम है उसकी गुठली के अंदर सीड वाजे होता है, वो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, वो जिम्नोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म नेक्ट ओव्यूल, ठीक है, नेक्ट ओव्यूल होता है। ठीक है, ये बात भी मैंने क्लियर कर दी इस लेक्चर में, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। मैनी वेजिटेबल्स कम फ्रॉम वस्कुलर प्लांट्स, एग्जाम्पल पोटैटो, कॉलीफ्लावर, रेडिश, रेडिश मूली को कहते हैं कॉलीफ्लावर, उसको कहते हैं फूल गोभी को कहते हैं, ठीक है ना, कैरेट कहते हैं, गाजर को बीन कहते हैं, फली को लेडी फिंगर कहते हैं, भिंडी को, टोमेटो और अनियन, ये आपको पता। ठीक है, मैनी इंग्रेडिएंट्स, कई अज्जा, इंग्रेडिएंट्स, अज्जा ऑफ आर फूड आल्सो कम फ्रॉम वेस्कुलर प्लांट्स, एग्जांपल मस्टर्ड, सरसों, शुगर, ठीक है, कोकोनट और कई तरह की स्पाइसेस भी जो होती हैं, ठीक है, मिर्चें वगैरह की, लाल मिर्चों को कूटा जाता है, पीसा जाता है, खानों में डलती हैं वो एज ए इंग्रेडिएंट, अज्जा के तौर पर। मैनी डिलीशियस फ्रूट, कई मज़ेदार फल, डिलीशियस, मज़ेदार, कम फ्रॉम, आते हैं कहाँ से, वस्कुलर प्लांट, जैसे एप्पल, मैंगो, एप्रिकोट, एप्रिकोट खुबानी, बनाना, सिट्रस। ठीक है, आगे टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम दीज प्लांट्स, एग्जाम्पल पाइनस, देवदार, सेड्रस, शीशम, किकर। ठीक है, टिम्बर स्पेशल लकड़ी हो जाती है, मतलब वो काम में लेने वाली है, जलाने वलाने वाली नहीं है, फालतू लकड़ी नहीं है, तो ये टिम्बर जिससे हमारी जो है ना काम की चीज़ें बनती हैं, ठीक है, हमारा फर्नीचर वगैरह बनता है वो टिम्बर कहलाती है। मैनी यूज़फुल थिंग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, कई मुफीद चीज़ें जो हमें हासिल होती हैं इन दरख्तों से, वेस्कुलर प्लांट से, जो कि विच सर्व एज मेडिसन, ठीक है ना, अमलतास, अजवाइन, अमलतास जो होती है ना सर्दियों में, अमलतास बहुत काम की चीज़ है, पंसारी वाले की दुकान पर आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आप वहाँ चले जाओ अदनान मेडिकल, वहाँ पे दो स्टोर हैं, एक एलोपैथिक, एक होम्योपैथिक, जड़ी बूटियाँ मिलते हैं, बोलो अमलतास दे दो, आपको लग रहा होगा हिंदी वर्ड है अमलतास, आप जाओ इसके पानी में, ये एक जड़ी बूटियाँ मतलब पेड़ की छाल होती है, कुछ चीज़ें होती हैं कि स्टेम का गूदा जो होता है ना वो हमारे काम आता है, तो अब वो अमलतास है ना, जैसे दार चीनी होती है, मसाले वाली चाय बनती है, वाला मसाले नहीं, लाल वाल मसाला नहीं, जिसके अंदर अदरक ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, वो मसाले वाली चाय, तो ये सब सारे मसाले जो होते हैं हमारे पास, ये कहाँ से आते हैं, ये इधर से ही आते हैं ना हमारे पास, और एज अ मेडिसिन यूज़ होते हैं ना वो, ये आपकी खांसी और गले को उसकी कर में, उसके इलाज में बहुत मुफीद है, अमलतास और अजवाइन।